पंडित रामकृष्ण। हाँ। रानी मिल गई? रानी मिल गई मतलब? सब सब मिल गई कि नहीं? वो वस्तु, वो वस्तु जो महारानी जी चाहती थी। वो महारानी जी ना हट कर रही थी कि आपसे मिलने से पूर्व उन्हें वो एक वस्तु चाहिए, और वो विशेष वस्तु हमें प्रतीत होता है कि अब मिल गई। नहीं मिली? नहीं मिली? किंतु मिल जाएगी। मैं तो ये सूचित करने आया हूँ कि राजा धर्मपाल के सम्मान में आपने जो राजनर्तक की सौदामिनी देवी का नृत्य आयोजित किया था, उसका समय हो गया है। सौदामिनी देवी बस पधारने ही वाली है, नृत्य हेतु तैयार है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, नृत्य होगा। महाराज हमें तो ये हो गया रहा होता, अब आप कह रहे हैं नृत्य होता, फिर आप कहेंगे कि घुड़सवारी का प्रतियोगिता होता, फिर तलवारबाजी का आनंद ले लो, फिर नाटक का मंचना होता, फिर रात्रि हो जाता, तब भी तारों को गिनने का कार्यक्रम होता। मित्र हम तो बस ये कह रहे हैं, हमको शीघ्र से शीघ्र रानी मुनमुन जी से मिलवा दो। अवश्य वो महाराज धर्मपाल जी, आपकी प्रिय रानी रानी मुनमुन आपसे भेंट करने हेतु श्रृंगार कर रही है, इसलिए थोड़ा अधिक समय लग रहा है। हाँ। मित्र आपको ये नृत्य देखना होगा हमारे कहने पर, और अब हम आपको वचन देते हैं कि ये नृत्य का आयोजन अंतिम होगा। हाँ। रानी मुनमुन हम आता। अब महारानी तिरुमलम्बा जी, अब जाइए शीघ्र और कहिए महारानी मुनमुन से कि वो अपना श्रृंगार आराम से करें, तब तक हमारे मित्र नृत्य का आनंद लेंगे। हमारी इच्छा थी कि हम अपने मित्र लंका नरेश धर्मपाल जी का अतिथि सत्कार विजयनगर राज्य की परंपरा अनुसार करें। मित्र आपने ये नृत्य देखने की स्वीकृति दी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मित्र जल्दी से नृत्य का इक्का दिक्का तुन्ना करो। देखिए देखिए, लंका नरेश भी सौदामिनी देवी का नृत्य देखने के लिए कितने आतुर हो रहे हैं। नहीं गुरुवर, महाराज कह रहे हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता होगी यदि नृत्य समापन बिना विलंब किए किया जाए तो, क्योंकि महाराज को नृत्य नहीं देखना बल्कि उन्हें अति शीघ्र रानी से मिलना है। जी अवश्य मित्र, हम शीघ्र अति शीघ्र। प्रणाम महाराज। प्रणाम लंका राजा जी, मेरे पास एक खेदजनक सूचना है। क्या है? सूचना यह है कि लंका में कुछ विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है। क्या? आपके ही दरबारियों ने विद्रोह कर दिया है। विद्रोह? ये कटेक का थुन्ना। महाराज कह रहे हैं कि वो विद्रोह को कुचल कर रख देंगे। मित्र लंका में विद्रोह हुआ है, आपको शीघ्र अति शीघ्र लंका जाना चाहिए, परंतु आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। और रही महारानी मुनमुन की बात, तो वो विद्रोह समाप्त होने के पश्चात लंका जाएंगे। चलिए। मित्र क्या हुआ? मित्र हम पहले नृत्य देखता, हमारा मित्र ने इतने प्यार से आयोजित किया, तब तक हमारा मुनमुन भी श्रृंगार समाप्त कर लेगा, लंका हम मुनमुन के साथ प्रस्थान करेंगे। क्षमा कीजिए लंका नरेश, देखिए आपके राज्य में विद्रोह हुआ है, उसे शांत करने जाना है, वहां कोई विवाह समारोह थोड़ी हो रहा है जहां आप अपनी रानी के बिना नहीं जा सकते हैं। हाँ महाराज धर्मपाल, आपको विचार करना चाहिए, अंदरूनी आंतर विरोध बाह्य आक्रमण से कहीं अधिक घातक होता है,
यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो वन की अग्नि के समान बढ़कर ऐसा प्रचंड रूप धारण कर लेगा कि सब कुछ भस्म कर देगा। ये कड़े कतुल्ला। पंडित रामकृष्ण महाराज आपके तर्क से सहमत हैं, परंतु वो कहना चाहते हैं कि विद्रोह का दमन करते समय पुनः रानी की याद आ गई तो उन्हें विजयनगर वापस आना पड़ेगा, इसीलिए रानी का साथ जाना आवश्यक है। प्रेम अंधा होता है ये तो सुना था, परंतु अंधा बहरा और इतना मूर्खतापूर्ण होता है? महामंत्री जी। महाराज। आप हमारा मुख क्या देख रहे हैं? मित्र हमारे नृत्य देखकर प्रस्थान करेंगे, नृत्य आरंभ करवाइए, राज नर्तकी को प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सौदामिनी देवी, यदि आपकी चांद से मुख से ये घूंघट हट जाए तो आनंद में परमानंद हो जाए। गुरुजी प्रतीत होता है कि अब युद्ध निश्चित है, हमें शीघ्र यहाँ से भाग जाना चाहिए। जीवित बच गए तो किसी और राज्य में जाकर आप राजगुरु बन जाना और हम आपके शिष्य तो आए हैं। भगवान थुन्ना, ताली क्या हुआ? हमारा रानी इतना सुंदर नृत्य करता और कोई ताली नहीं बजाता। महाराज धर्मपाल, प्रश्न ये नहीं है कि हम सब ने तालियां क्यों नहीं बजाई, प्रश्न ये है कि आप तालियां क्यों बजा रहे थे? क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ, क्या वो एक रानी की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप था? एक महाराज, एक पति ये सब कैसे सहन कर सकता है कि उसकी पत्नी भरे दरबार में यूं सबके सामने नृत्य करे? वो जब नृत्य आरंभ हुआ तो हम क्रोधित हो गया था, परंतु फिर धीरे धीरे रानी की कला ने हमारे हृदय को मंत्र मुग्ध कर दिया। संभवतः ये रानी के प्रति हमारे प्रेम का कारण होता। क्षमा चाहता हूँ महाराज धर्मपाल, किंतु प्रेम को इस तरह तृप्तिपूर्ण तरीके से परिभाषित ना करें, क्योंकि जिसे आप प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो दूसरों के जीवन पर अंकुश लगाने जैसा है। महाराज धर्मपाल, आपको प्रेम का नशा सा है, प्रेम आपकी कमजोरी है। संभवतः इसी कारण महारानी मुनमुन आत्मदाह का विचार कर रही थी। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु कहीं रानी मुनमुन को दौरा तो नहीं पड़ा था? हमको रानी के दौरे के विषय में ज्ञात हो गया था, इसीलिए हम रानी को नृत्य करने से नहीं रोका। नहीं, महारानी मुनमुन पूर्णतः ठीक है, सचेत है
और ये नृत्य भी इन्होंने व्यक्तित्व परिवर्तन विकार में आकर नहीं किया, अभी तो पूरी तरह से सोच समझकर किया है। और इन्हें ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। पंडित रामकृष्ण, यह तो साथ कैसे किया? महाराज धर्मपाल, यदि किसी की आंखें बंद हो तो उसकी आंखें खुलवाकर उसे सत्य दिखाया जा सकता है, किंतु आंखें खुली होने के पश्चात भी कोई सत्य ना देखे तो उसकी आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हटाना पड़ता है, और मैंने बस वही प्रयास किया। पंडित रामकृष्ण, आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, स्पष्ट करेंगे? जी महाराज, मैं विस्तार से सब बताता हूं। महाराज धर्मपाल, आपके प्रस्थान के उपरांत महारानी मुनमुन राजमहल से इस तरह गायब हुई जैसे पिंजरे के कैद से एक पंछी को उड़ने का अवसर मिल जाता है। इस बीच इन्हें कई बार दौरे भी आए, कभी ये गुरुवर की अम्मा बनी, तो कभी योद्धा, तो कभी डाकू ज्वाला देवी, और अंत में ये मुझे मेरे ही घर में मेरे ससुर के रूप में मिले। इनके जाने के उपरांत मुझे लगा कि रानी मुनमुन पुनः एक बार मेरी पहुंच से दूर जा रही। फिर अचानक मुझे एक अनोखी घटना याद आई महाराज। जब महारानी मुनमुन डाकू ज्वाला देवी बनकर मेरे पीछे भाग रही थी, मैं एक घंट से टकराया था। उस घंट की ध्वनि से न केवल महारानी मुनमुन ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था, अपितु अपने विकार से बाहर आकर ठीक भी हो गई थी। महाराज, मैंने उस घंट की ध्वनि के विषय में विचार किया, और तभी मुझे अनुमान हो गया था कि मुझे महारानी मुनमुन के ठीक होने का सफल मंत्र और इनके विकार का उपचार मिल गया है। महाराज, घंट की ध्वनि मात्र आवाज नहीं होती, उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर बहुत तेज होता है। इस प्रकार से होता है कि यदि उस समय हमारे मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक या गलत विचार हो तो वो टूट जाते हैं, अर्थात हम उनके प्रभाव से बाहर आ जाते हैं। घंट की ध्वनि न केवल हमें सचेत सजग करती है, अपितु हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता बढ़ाकर हमारे अंदर समर्पण की भावना भी जगाती है। तभी तो हम पूजा जैसा संयम और अर्पण वाला कार्य इतनी सरलता से कर पाते हैं। और इसलिए महाराज धर्मपाल, मंदिर चाहे किसी भी भगवान का क्यों ना हो, वहां घंट अवश्य होता है। और घंट की ध्वनि के विषय में ये सारे तथ्य पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। गुरुजी, ये सब पता था आपको? हैं? जो पंडित रामकृष्ण कह रहे हैं? अरे मनी, क्या बात करता है, हमारे गुरुजी का ज्ञान और विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कुछ गैप नहीं होगा इनको। सही कहा। और मैं ये समझ गया था कि घंट की ध्वनि से ही महारानी मुनमुन के व्यक्तित्व परिवर्तन विकार का उपचार होगा, और इसलिए मैं अपने घर की घंटी लेकर इनके पीछे भागा। रुकिए, पंडित रामकृष्ण, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ इस अवस्था में, पुरुष के कपड़ों में? रानी मुनमुन, मैं आपको सब विस्तार में समझाता हूँ, कृपया मेरे साथ अंदर आए। रानी मुनमुन, मेरी बात मजबूत हृदय से सुनिए, आपको एक मानसिक विकार है, किंतु आप चाहें तो अपने मनोबल से उस विकार को मात दे सकती हैं। बस एक आप ही तो हो पंडित रामा, जिसने हमें पहचाना। सत्य तो ये है कि हम रानी बनकर बिल्कुल नाखुश हैं। राजा धर्मपाल के प्रेम के जाल में फंसकर हम कुछ नहीं कर पाए। दासी और अन्य तो छोड़िए, मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए राजा धर्मपाल खुद दौड़ पड़ते हैं, और हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी सारी गुणों को, कलाओं को हमसे सदैव के लिए दूर कर दिया है। हम ऐसे नहीं जी सकते। इसके वजह से मेरे अंदर अनेक कुंठाओं ने जन्म लिया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे साधारण स्त्री की तरह जीने के लिए छोड़ दिया जाए। मेरे अंदर रानी के जीवन जीने की कोई रुचि नहीं, मैं ऐसे नहीं जीना चाहती। मैं तो अपना जीवन भी समाप्त कर लूं, पर
राजा का ख्याल मुझे ऐसा नहीं करने देता। रानी मुनमुन, एक उपाय है, क्या आप मैं जो कहूंगा वो करेंगी? तो राज नर्तकी सौदामिनी के बदले आपको अपनी नृत्य कला दिखानी होगी। पंडित रामाकृष्ण जी सच कह रहे हैं, हमने यहाँ पर नृत्य इसलिए किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि आप किस सीमा और किस हद तक जा सकते हैं। क्षमा करें महारानी मुनमुन, किंतु आपके पति ने तो सारी सीमाएं पार कर दी आज। इनकी पत्नी, इनकी रानी नर्तकी बनकर राज दरबार में सबके सामने नृत्य कर रही थी और ये तालियां बजाकर आपको सराह रहे थे। महाराज धर्मपाल, आप ज्ञानी हैं, राजा हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु प्रेम को सोने के पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। ऐसे तो वो घुट घुट कर मुरझा जाता है। अपने प्रेम को खुला छोड़ दीजिए। यदि वो आपका है तो वापस लौटकर अवश्य आएगा, यदि नहीं आया तो वो आपका कभी था ही नहीं। आपकी पत्नी हुनर का पर्वत है महाराज धर्मपाल, इनकी कलाओं में निपुणता है, इनके अंदर प्रतिभा ही प्रतिभा भरी हुई है, किंतु हर प्रहर आपने इन पर दृष्टि रखकर इन पर केवल मानसिक अत्याचार ही किया, प्रेम नहीं, और यही कारण है कि ये मानसिक विकार से ग्रस्त हो गई। महाराज, ये मानसिक विकार उन लोगों में उत्पन्न होते हैं जिनमें सक्षमता तो होती है किंतु उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, और फिर ऐसे लोगों के बहुत सारे रूप उन पर हावी हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल, आपकी आंखें खोलने के लिए आपको ये दर्शाना आवश्यक था कि महारानी मुनमुन की समस्या के कारण और परिणाम क्या क्या है। और एक बात, आप अपनी पत्नी के प्रेम में इतने व्यस्त हो गए कि अपना राजधर्म भी भूल गए, और इसलिए आज आपके अपने राज्य ने आपके विरुद्ध राज विद्रोह छेड़ दिया। पंडित रामकृष्ण, अब आग इतना घुल गया कि शर्म भी नहीं आती। रानी मनमुन जी, आज आपने इतना कुछ कर दिया हमारे लिए, अब हमारा बस ये इच्छा है आप अपना जीवन पूर्ण आजादी से जिए। रानी मुनमुन जी, हमसे कभी कभी दूर रहने की आदत डाल लो, आप यहां सुरक्षित रहेंगी और हम लंका की ओर। ये समय की पुकार है कि हमें लंका के लिए प्रस्थान करना चाहिए और वहां जाकर विद्रोह को समाप्त कर अपना राजधर्म निभाएंगे, फिर आपको लेने आएंगे। महाराज धर्मपाल, आप पुनः भूल रहे हैं, महारानी मुनमुन युद्ध कला में कितनी निपुण है ये हम सब ने देखा है, क्यों गुरुवर? हाँ पंडित रामाकृष्ण, अब क्या बताएं आपको, लंका राजा जी, आपकी रानी में एक महान वीरांगना बनने के सभी गुण मौजूद हैं। तलवार की तो छोड़िए, ये तो छड़ी से ही बड़ों बड़ों को सीधा कर सकती हैं। इनकी छड़ी की मार हम कदापि नहीं भूल पाएंगे, योद्धा है ये तो। हाँ राजा जी, इनकी धार शेरनी जैसी और चाबुक कला भी उच्च श्रेणी की है। महाराज धर्मपाल, एक बात सदैव स्मरण रखें, हमारे और हमारे साथी के पास जो भी कलाएं और विद्याएं होती हैं उनका पूरा सम्मान और उपयोग करना चाहिए। महारानी मुनमुन को अपने साथ ले जाइए, इनके हाथों में तलवार दीजिए और फिर देखिए कि ये आपकी सहभागिनी बनकर कैसे आपके विरुद्ध हुए विद्रोह का नामो निशान मिटा देती है। पंडित रामकृष्ण, आप महान हो, आपने हमारे आंख खोल कर जो उपकार किया है, हमको समझ नहीं आता हमको कैसे करे। महाराज धर्मपाल, इस समय आपको मेरे विषय में नहीं अपने राज्य के विषय में सोचना चाहिए, वहाँ आपकी आवश्यकता अधिक है, आपको शीघ्र लंका पहुँचना चाहिए। अवश्य, आप संभवतः सही कहते, हम अभी लंका प्रस्थान करता। रुक जाइए,